Hello students, so today we are doing our next topic from AC circuits, which is interconnection of three phases, as you can see in the diagram, as you can see in the picture. I am Medha Walia. I am teaching you the subject 4E to mechanical third semester students. 4E stands for elements of electronics and electrical engineering. So interconnection of three phases, as you can see there are three phases. A single phase has two terminals, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, वन टू टर्मिनल्स पहले फेज के, थ्री फोर टर्मिनल्स दूसरे फेज के, और फाइव सिक्स टर्मिनल्स तीसरे फेज के. सो ये तीन फेजेस दिखाए हुए हैं, तीनों पे लोड कनेक्टेड है जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री, ठीक है. दीज आर द थ्री लोड्स कनेक्टेड टू द थ्री phases, three single phases. So in a three phase AC generator there are three windings. ये three phases कहाँ से आ रहे हैं? Three phase AC generator से, जहाँ पर तीन windings हैं. ये तीनों windings आप लोगों को picture में clear हो रही हैं. तीनों windings के जो terminals हैं, पहली winding के terminal A1 A2, दूसरी के B1 B2, third is C1 C2 respectively. So in order to reduce the number of line conductors, अब लाइन कंडक्टर्स कम करने के लिए हम थ्री फेजेस वाइंडिंग्स को, जो थ्री फेज वाइंडिंग्स आ रही हैं जो एसी जनरेटर से, उनको हम सूटेबली इंटरकनेक्ट करते हैं. सो वो जो इंटरकनेक्शन है वो दो तरीकों से होता है. सो थ्री फेजेस फ्रॉम एसी जनरेटर कैन बी पुट टुगेदर इन टू वेज. वो टू वेज क्या है? वन इज स्टार और वाई कनेक्शंस, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है. एक है स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन, और दूसरा है डेल्टा कनेक्शन और मेश, उसका नाम है मेश. सो स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन, दीज आर द टू वेज जिसमें हम थ्री फेजेस को सूटेबली इंटरकनेक्ट कर सकते हैं. सो इंटरकनेक्शन, तो पहले हम देख रहे हैं स्टार की, स्टार को इंटरकनेक्ट करने के लिए. सो इन स्टार और वाई कनेक्शंस सिमिलर एंड्स, जो थ्री तीनों वाइंडिंग्स हैं, आप ये ऊपर क्लियर कर सकते हो डायग्राम में, ये जो तीन वाइंडिंग्स हैं इनके जो सिमिलर एंड्स हैं, ठीक है, एंड्स. अब क्या है, हर एक वाइंडिंग का, हर एक जो कनेक्शन है हर एक फेज़ का, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग क्लियर करना है. स्टार्टिंग और फिनिश एंड क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है. तो आपको जो सिमिलर एंड्स हैं, या तो तीनों स्टार्ट वाले ले लो या तीनों फिनिशिंग एंड्स, ठीक है, सिमिलर एंड्स को आपने कनेक्ट करना है टू ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है. सो ये मैं आपको दूसरी डायग्राम में दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर होगा. हमारे पास तीन वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स का क्या थे, A1 A2 B1 B2 C1 C2. सो यहाँ पर क्या किया है, तीनों के जो फिनिश एंड्स हैं, फिनिशिंग एंड्स हैं A2 B2 एंड C2, उन तीनों को कनेक्ट कर दिया है विद अ कॉमन पॉइंट. ये है कॉमन पॉइंट A2 B2 और C2 का कॉमन पॉइंट, वेयर एज A1 B1 और C1 आर द फ्री एंड्स, उनको फ्री छोड़ा हुआ है टू बी टेकन एज टर्मिनल्स, ठीक है, उनको टर्मिनल्स की तरह यूज़ करने के लिए हमने फ्री छोड़ा हुआ है. दीज आर द फ्री एंड्स. और एक कॉमन पॉइंट जहाँ पर फिनिशिंग एंड्स ज्वाइन है वो है B2 C2 और A2. सो विच इज़ कॉल्ड, दिस कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट. ये बात क्लियर करनी है. यहाँ पर अगर आप वोल्ट मीटर अटैच करते हो या आप चेक करते हो करंट एमीटर लगा के, देयर विल बी ज़ीरो पोटेंशियल एंड ज़ीरो करंट. सो ऑर्डिनरली ओनली कंडक्टर्स आर रन फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री फ्री टर्मिनल्स. सो ये अब जो लाइन हमारे पास कंडक्टर्स थे वो हमारे पास तीन टर्मिनल्स के अक्रॉस, A1, B1 और C1 के अक्रॉस हमारे पास आ गए लाइन कंडक्टर्स. सो ये जो कनेक्शन है एक्सटर्नल सर्किट का, इट गिव्स थ्री फेज, इट इज़ कॉल्ड थ्री फेज थ्री वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम. इट इज़ कॉल्ड थ्री फेज थ्री वायर एंड स्टार कनेक्टेड सिस्टम. हाउएवर समटाइम्स अ फोर्थ वायर इज़ कैरिड, ठीक है, ये आपको क्लियर है. यहाँ पे थ्री फेज थ्री वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम, और ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, इसमें आपको क्लियर करना है. कई बार क्या है, यही सिस्टम एक फोर्थ वायर के साथ कैरी होती है फ्रॉम द स्टार पॉइंट. और स्टार पॉइंट कौन सा है या न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है, जहाँ पर तीनों सिमिलर एंड्स जॉइंड हैं, ठीक है.
तो वो बन जाता है थ्री फेज फोर वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम, जहाँ पर जो फोर्थ वायर है एक्सटर्नल सर्किट में वो न्यूट्रल वायर यूज़ होती है। सो ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे आपको? उसी डायग्राम को अब फेज और फेज वोल्टेजेस, लाइन वोल्टेजेस में क्लियर किया। सो व्हाट इज़ लाइन वोल्टेज? मैं यहाँ से आपको इस डायग्राम में आपको क्लियर कर रही हूँ लाइन वोल्टेज क्या है और फेज वोल्टेज क्या है। सिमिलरली हम करेंगे लाइन करंट एंड लाइन वोल्टेज। सो अब ये डायग्राम में क्या है? फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री फ्री टर्मिनल्स थ्री कंडक्टर्स आर रन, ठीक है? तीनों कंडक्टर्स का नाम दे दिया आर वाई एंड बी, और जो बीच वाला टर्मिनल था जो सिमिलर एंड्स जहाँ पर कंबाइंड है उसे न्यूट्रल एन कैपिटल एन से डिनोट किया हुआ है। आप डायग्राम को ध्यान से देखें सभी। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेज इज कॉल्ड फेज करंट, आई फेज लिखा हुआ है, आई पी एच। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेज इज, ये आई आई फेज, इधर भी आई फेज, इधर भी आई फेज। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेज इज कॉल्ड फेज करंट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लाइन। अब हर एक लाइन में जो करंट फ्लो कर रहा है यही करंट ये यहाँ पे देखो, ठीक है? जब ये फेज में से इसमें से फ्लो कर रहा है तो ये फेज है, जब ये लाइन में आ गया तो ये लाइन करंट है, आई एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई पी एच इज़ फेज करंट एंड आई एल इज़ लाइन करंट। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस ईच फेज, हर एक फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज है इज़ कॉल्ड फेज वोल्टेज। अब वो कैसे? आर और न्यूट्रल के बीच में, वाई और न्यूट्रल के बीच में, ठीक है? जब आप वाई और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज लोगे दैट इज़ फेज वोल्टेज। सिमिलरली बी और न्यूट्रल के बीच में जब आप लोगे वोल्टेज सो दैट विल बी फेज वोल्टेज, ई पी एच से डिनोट होगी। ई पी एच, ई पी एच क्या हुए फिर? ई आर एन, ई वाई एन एंड ई बी एन, ये तीनों क्या हुए? दीज ऑल आर फेज वोल्टेजेस। ई एन आर, ई एन वाई, ई एन बी, दे ऑल आर ई फेज, ई पी एच। एंड वेयर एज लाइन वोल्टेज कौन सी हुई? अब लाइन वोल्टेजेस इट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द टू एंड्स, द टू फेजेस, दो फेजेस के बीच में जो वोल्टेज है, ई एम एफ, ई इज़ ई एम एफ, आई इज़ करंट। सो द वोल्टेज अक्रॉस टू लाइन कंडक्टर्स, ये आप देख रहे हो यहाँ पे आर और वाई के बीच में दो वोल्टेजेस दिखाई हैं, ये आर और ये वाई टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज बताई हुई है, इट इज़ ई एल, सो इट इज़ लाइन वोल्टेज। सिमिलरली वाई और बी के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज़ ऑल्सो लाइन वोल्टेज, बी और आर के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज़ ऑल्सो लाइन वोल्टेज। तो मैं ये आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? ये देखो अब आप इस डायग्राम में ई एन आर, ई एन वाई एंड ई एन बी, ये तीनों हैं वोल्टेजेस, फेज वोल्टेजेस, ई पी एच। वेयर एज ई आर वाई, ई वाई बी एंड ई बी आर, ये तीनों हैं लाइन वोल्टेजेस। ओके, सो हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं? वी आर फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन फेज करंट एंड लाइन करंट। सो दीज वर लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस। सो इन दिस, फ्रॉम दिस डायग्राम ऑफ लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज वी कैन ड्रॉ दिस फेजर डायग्राम बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, जितनी भी फेज वोल्टेजेस हैं उनको हमने रेफरेंस लिया है। एज यू कैन सी ई एन आर, ई एन वाई एंड ई एन बी, ये तीनों फेज वोल्टेजेस हैं। इन तीनों को हमने रेफरेंस लिया है, 120 डिग्री अपार्ट हैं। ये हमने पहले फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला किया था, व्हेन देयर आर थ्री फेजेस सो द फेज डिफरेंस विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन इज़ थ्री, सो द फेज डिफरेंस बिटवीन द थ्री वोल्टेजेस विल बी 120 डिग्रीज, ठीक है? सो दीज ऑल आर 120 डिग्रीज अपार्ट। तो अब हमने क्या करना है, हर एक फेज वोल्टेज से हमने लाइन वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है।
the three line voltages, which are EBR, ERY and EYB. So हमने यहाँ पे क्या किया, by using parallelogram law हम क्या कर रहे हैं, जब हमें EBR निकालना है, R is already here, और हम INB को, ENB को हमने रिवर्स डायरेक्शन में शो कर लिया, माइनस ENB, और ये बन गई पैरेललोग्राम, ये दो वेक्टर्स, ठीक है. सो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज़ किया एंड वी फाइंड द रिजल्टेंट फॉर दिस. जो हमारे पास रिजल्टेंट आया EBR, ठीक है. एंड नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, सिमिलरली ये दोनों पैरेललोग्राम्स भी बनानी है, और हमारे पास जब हम R को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ERY, जब हम Y को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा EYB. सो हमारे पास तीनों लाइन वोल्टेजेस आ जाएंगी फ्रॉम द थ्री फेज वोल्टेजेस. सो दैट इज़ व्हाई दिस रिलेशनशिप इज़ बिटवीन द फेज वोल्टेजेस एंड द लाइन वोल्टेजेस, बिकॉज इट इज़ क्लियर दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू फेज वाइंडिंग एज वेल एज द लाइन कंडक्टर्स. Since line conductor is just connected in series with the phase winding, तो ये diagram clear है, ठीक है. So now we'll study. तो हमें यहाँ से पता क्या चल रहा है कि जो phase current और line current है, they are equal to each other. IL is equal to IPH for star connections, ठीक है. तो यहाँ पर ये phase voltages और line voltages का मैं clear कर रही हूँ. ये आप देख सकते हो ENR, ENY, ENB is equal to E phase, ठीक है जी. तो अब हमने क्या किया, ये जो फेजर डायग्राम बनाई थी वहाँ पर हमने क्या करना है कि कोई से एक फेज को जब आप रोटेट करते हो, रिवर्स डायरेक्शन में लेकर आते हो, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर डायग्राम, जितनी भी ये फेजर डायग्राम्स होती हैं दे ऑल आर वेक्टर डायग्राम्स. तो यहाँ पर अब हमारे पास जो पैरेललोग्राम बन रही है, हम किसी एक के लिए सॉल्व करते हैं, ई आर वाई इट इज़ इक्वल टू ई एन वाई. आप उस फेजर डायग्राम से क्लियर कर सकते हो, जो ई आर वाई आ रही है वो ई एन वाई माइनस ऑफ, ये जो माइनस है ये रिवर्स डायरेक्शन का माइनस है, माइनस ऑफ ई एन आर, क्योंकि हमने ई आर वाई निकालते टाइम आर फेज को रोटेट किया है, रिवर्स डायरेक्शन में लेकर आए हैं 180 डिग्री वाली साइड पे, तो उसको माइनस में लिया है, वेक्टर डिफरेंस है ये सिर्फ, ठीक है. सो नाउ व्हेन यू अप्लाई द वेक्टर लॉ ऑन दिस, सो वेक्टर लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लॉ, दैट वन वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस टू वन वेक्टर सेकेंड वेक्टर कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विच इज 60 डिग्री, सो अंडर रूट ओवर अंडर रूट उन सब के ऊपर. सो ई आर वाई हमें ऊपर इक्वेशन से क्लियर है दैट ई आर वाई इज लाइन, हमने पढ़ा है ई आर वाई ई वाई बी ई बी आर, द वोल्टेज इज बिटवीन द टू, बिटवीन द टू एंड्स इज द लाइन वोल्टेज. तो ये ई एल लिख सकते हैं हम ई आर वाई की जगह, और ई एन वाई ई एन आर जो भी हमारे पास न्यूट्रल के साथ जितनी भी वोल्टेजेस हैं वो सारी फेज वोल्टेजेस हैं, तो हम उन सबको ई पी एच लिख सकते हैं. सो हमारे पास क्या आ रहा है, ई स्क्वायर पी एच प्लस टू ई स्क्वायर पी एच कॉस 50, ये सॉरी कॉस 60 डिग्री इज 1 बाय 2 विच इज, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 ई स्क्वायर पी एच आ रहा है. सो हमारे पास क्या आ गया फिर, जब हम ई पी ये स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं, सो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स फेज वोल्टेज. ये आपको यहाँ से क्लियर करना है दैट लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट 3 टाइम फेज वोल्टेज. ये इक्वेशन सिमिलर रहेगी बाकी के दो पैरेललोग्राम्स के लिए. सो इट विल कम, द सेम इक्वेशन विल कम, लाइन वोल्टेजेस इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स फेज वोल्टेज, ठीक है. सो इन स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज रूट 3 फेज वोल्टेज. सो नाउ विल डू दिस फॉर डेल्टा कनेक्शंस. सो डेल्टा कनेक्शंस क्या है, जब हमारे पास, हमने क्या किया था, जब थ्री फेजेस को हम सिमिलर एंड्स जॉइन करते हैं तो हमारे पास आता है स्टार कनेक्शन. अब हम कर रहे हैं दूसरा टाइप ऑफ द थ्री फेज, द सेकंड कनेक्शंस ऑफ द थ्री फेज विच इज मैश और डेल्टा कनेक्शंस. तो वो क्या कहता है, द फिनिश टर्मिनल्स ऑफ वन वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू स्टार टर्मिनल. एक वाइंडिंग का, जैसे हमारे पास तीन वाइंडिंग्स थी A1, A2, B1, B2, C1, C2, पहली वाइंडिंग का स्टार्टिंग
सॉरी पहली वाइंडिंग का फिनिश एंड, दूसरी वाइंडिंग का स्टार्टिंग एंड। तो अब आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो इस डायग्राम में, A1 A2 है, A2 इज़ द फिनिश एंड ऑफ द फर्स्ट वाइंडिंग, उसके साथ हमने दूसरी वाइंडिंग का फर्स्ट, A2 के साथ B1 है, B2 के साथ C1 है और C2 के साथ A1 है। सो ये इंटरकनेक्टेड डायग्राम है। सो फिनिश टर्मिनल ऑफ वन वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड टू स्टार्ट टर्मिनल ऑफ द अदर फेज एंड सो ऑन, इट गिव्स अ क्लोज्ड सर्किट। ये हमें एक क्लोज सर्किट दे देता है, आप ये देख रहे हो ये एक ट्राइंगल सी बन गई, ये क्लोज सर्किट। द थ्री लाइन कंडक्टर्स आर रन फ्रॉम द थ्री जंक्शंस ऑफ द मैश कॉल्ड लाइन कंडक्टर्स। अब यहाँ पे क्या क्लियर किया हुआ है, जो फेज वोल्टेज है वो बिटवीन द टू द टू जॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पर जॉइंट्स आ रहे हैं वो फेज वोल्टेज है, और लाइन वोल्टेज क्या है सिमिलरली आर और वाई, जब वो कंडक्टर्स के बीच में से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सिमिलर है, और हमने पढ़ा क्या है कि स्टार कनेक्शंस में लाइन करंट और फेज करंट सेम होते हैं, क्योंकि सेम ही वाइंडिंग में फेज है, फेज करंट फ्लो कर रहा है जब वो फेज में है, और जब वो लाइन कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसे हम लाइन कंडक्टर कहते हैं। सो लाइन कंडक्टर एंड फेज कंडक्टर आर सिमिलर, ओके। सो ये हैं, और यहाँ पर जो लाइन करंट और फेज वोल्टेज हैं इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। सो अब इनके लिए हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है फॉर लाइन करंट एंड फेज करंट एंड लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। सो रिलेशनशिप बिटवीन, सॉरी दिस इज़ द डायग्राम, रिलेशनशिप बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन्होंने ये 1 2 करके थोड़ा शो किया हुआ है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज है। सो I12, ये E12 जो है ये फेज वोल्टेज है, E23, E31, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट्स हैं IR, IY एंड IB, ये तीनों जो हैं लाइन करंट्स हैं, वेयर एज I12 जो फेजेस के बीच में फ्लो कर रहे हैं, I12, I23 एंड I31, दीज ऑल आर फेज करंट, ठीक है। सो इन डेल्टा कनेक्शंस इन्होंने क्लियर लिख दिया यहाँ पे, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। तो जब वो दोनों इक्वल हैं दैट मींस यहाँ पर करंट्स आर डिफरेंट, इसीलिए हमारे पास जो डायग्राम बनेगी फेजर डायग्राम, इट विल बी बिटवीन करंट्स, लाइन करंट्स एंड फेज करंट। और यहाँ पर फिर से वही करेंगे हम, लाइन करंट्स को हम, फेज करंट्स को हम रेफरेंस रखते हैं, और लाइन करंट्स को हम उस फेज करंट को जो रेफरेंस रखा है उनको हम वेक्टोरली रिप्रेजेंट करके हम वहाँ से फेज करंट्स का रिलेशनशिप निकालते हैं। सो सिमिलर वे में जैसे वहाँ पे हमने फेज वोल्टेज को हमने रेफरेंस रखा था और वहाँ से लाइन वोल्टेज निकाली थी, ठीक है। सो यहाँ पर हम फेज करंट्स को हम रेफरेंस रखते हैं और फेज लाइन करंट फाइंड आउट करते हैं। सो I12, I23 एंड I31 आर द फेज वोल्ट, फेज करंट्स, ठीक है, 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नाउ किसी एक को आप, जब हमने I23 को यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, I23, ठीक है, को हमने नेगेटिव साइड में रिप्रेजेंट किया तो एक पॉजिटिव रह गया, एक फेज करंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स में 60 डिग्री का एंगल आ गया विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगा सकते हैं। सो बाय डूइंग दिस, यहाँ पर कॉमन वेक्टर आ रहा है, सेकंड वेक्टर जो कॉमन टर्मिनल आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास IY आएगी, IY सिमिलरली IB आएगी, I23 को रेफरेंस रख के और I31 को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करके। तो यहाँ पे थर्ड टर्मिनल कॉमन है तो हमारे पास IB आ रही है, बिकॉज RYB का फेज सीक्वेंस होता है, ये हमने पढ़ा है व्हाट इज़ फेज सीक्वेंस। सिमिलरली I31 को वैसे ही रख के I12 को हमने नेगेटिव में रोटेट करवाया है, सो रिवर्स करवाया है इसकी डायरेक्शन को, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल कॉमन है, सो यहाँ पर हमारे पास IR आ रहा है। सो IR, IY एंड IB हमारे पास 3 करंट्स आ गए हैं, ठीक है। सो इसकी जो फेज करंट और लाइन करंट की जो हमारे पास है, सो I12, I23, I31 दीज ऑल आर फेज करंट्स, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो किसी दो को रोटेट करने के पे हमारे पास आ रहा है IR इज़ I31, हम सिर्फ फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, I31
माइनस आई वन टू, हमने वहाँ पे आई थ्री वन को वैसे के वैसे लिया था, आई वन टू को हमने रोटेट करवाया है नेगेटिव डायरेक्शन में. सो फिर से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा. सो वन वेक्टर स्क्वायर सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस टू वन वेक्टर सेकेंड वेक्टर कॉस ऑफ 60 डिग्री, सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. तो हमारे पास लाइन करंट आ गया है √3 टाइम्स फेस करंट. सो आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई एल, इट इज़ इक्वल टू √3 आई पी. सो यहाँ पर इन डेल्टा कनेक्शंस लाइन करंट कम्स आउट टू बी √3 टाइम्स फेस करंट. सो ये था हमारा आज का लेक्चर. उसके बाद ये एक छोटा सा टॉपिक है, कनेक्शन ऑफ थ्री फेज लोड्स. सो थ्री फेज लोड्स किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ या तो वो स्टार में कनेक्टेड होंगे या तो वो डेल्टा में कनेक्ट होंगे. ये सेम टॉपिक है, द थ्री फेज लोड्स कनेक्टेड इन स्टार एंड डेल्टा, ये शो किया हुआ है. द थ्री फेज लोड्स मे बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. ठीक है, यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के बारे में पढ़ना है. इफ़ द थ्री लोड्स जेड वन जेड टू जेड थ्री, ये जो जेड दिखाया हुआ है ये इम्पिडेंस शो कर रही है फेज की. सो जेड वन जेड टू जेड थ्री अगर तो हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, अगर ये तीनों बैलेंस्ड हैं देन द थ्री फेज लोड इज सेट टू बी बैलेंस्ड लोड. एंड इफ अंडर सच कंडीशन ऑल द फेज एंड लाइन करंट्स एंड ऑल द फेज और लाइन वोल्टेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, और अगर ये जो लोड्स हैं ये इक्वल नहीं, ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, मतलब इनके मैग्नीट्यूड्स और फेज एंगल्स डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से, दैट मीन्स दे आर अनबैलेंस्ड. सो इन दिस बुक ओनली बैलेंस्ड, जो हमारे सिलेबस में ओनली बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम ही है. सो वी विल बी डूइंग ओनली थ्री फेज, विल कम अक्रॉस ओनली थ्री फेज बैलेंस्ड लोड सिस्टम. उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पावर इन थ्री फेज सर्किट. सो पावर इन थ्री फेज सर्किट हमने पढ़ा है पहले, पावर इज़ वी आई कॉस फाई, वेयर वी इज़ वोल्टेज ऑफ द सिंगल फेज, आई इज़ करंट ऑफ द सिंगल फेज एंड कॉस फाई इज़ द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट. अब थ्री फेज में क्या है, क्योंकि बैलेंस्ड लोड है, ये चीज़ क्लियर रखनी है. पी इज़ इक्वल टू थ्री वी पी आई पी कॉस फाई. ठीक है, फेज वोल्टेज लाइन कर फेज वोल्टेज लाइन वोल्ट फेज करंट कॉस ऑफ द पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई. सो स्टार कनेक्शंस में क्या है, क्योंकि अब हमारे पास स्टार कनेक्शंस हैं, यही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थ्री वी पी आई पी कॉस फाई. ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, वी एल इज इक्वल टू √3, ई एल इज इक्वल टू √3 ई पी. हमने पढ़ा था स्टार कनेक्शंस में करंट सेम है, वोल्टेजेस डिफर हैं, तो वी पी की जगह आ जाएगा ई एल बाई √3. तो जब आप उसको लिखते हो तो हमारे पास पावर आ जाती है √3 वी एल आई एल कॉस ऑफ फाई. सो पावर इन केस ऑफ स्टार कनेक्शंस इज √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई. इन डेल्टा कनेक्शंस हमारे पास वोल्टेज सेम है वेयर एज करंट्स आर डिफरेंट. तो ये जो आई फेज है इस थ्री फेज लोड में, आई पी इज इक्वल टू आई एल बाई √3, तो ये भी फिर से बन जाता है √3 वी एल आई एल कॉस ऑफ आई. सो दस इन टोटल पावर इन अ थ्री फेज बैलेंस लोड इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कनेक्शन, और वो स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, पावर विल बी √3 वी एल आई एल कॉस ऑफ आई. एंड द यूनिट्स ऑफ दैट पावर विल बी इन वॉट्स, क्योंकि वो एक्टिव पावर है, कॉस ऑफ आई है, पावर फैक्टर जुड़ा हुआ है. अपेरेंट पावर विल बी √3 वी एल आई एल, और उसके यूनिट्स होंगे वोल्ट एम्पियर्स, किलो वोल्ट एम्पियर्स. रिएक्टिव पावर विल बी √3 वी एल आई एल साइन फाई, और इसके यूनिट्स होंगे साइन फाई है तो मतलब वो रिएक्टिव पावर है. सो वार वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव, के वी ए आर और वी ए आर आर द यूनिट्स. सो ये हमने सम अप कर दिया है. पावर इन सिंगल फेज सर्किट हमने कर लिया है, कनेक्शंस ऑफ थ्री फेज लोड्स वो बैलेंस्ड ही हमारे सिलेबस में है. तो बैलेंस्ड लोड कब होता है, जब तीनों जो लोड्स हैं अक्रॉस द थ्री वाइंडिंग्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, देन वी से दैट इट इज़ थ्री फेज बैलेंस्ड लोड सिस्टम. एंड वी हैव डन टुडे ऑल्सो स्टार कनेक्शंस एंड डेल्टा कनेक्शंस फॉर थ्री फेज सिस्टम्स. सो आप लोगों को नोट्स ज़रूर बनाने हैं बेटा, प्लीज़ अपने बुक से नोट्स बनाओ, या इस वीडियो की आप हेल्प लेके भी नोट्स बना सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग माय लेक्चर ओवर हेयर. स्टे सेफ.